नमस्कार जीएच न्यूज इंडिया देख रहे दर्शकों का स्वागत है। यूपी सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद कादियान पहुंचने पर राहत फाउंडेशन द्वारा ताहिर मजीद को सम्मानित किया गया। मनुष्य समर्पण, कड़ी मेहनत और इच्छा शक्ति के साथ किए गए किसी भी कार्य में असफल नहीं हो सकता। लंबे समय से सिविल सेवा के आकांक्षी ताहिर मजीद खान ने उत्तर प्रदेश की सिविल सेवाओं में 73वीं रैंक हासिल करके कादियान और अपने माता पिता का नाम रोशन कर लिया है। कमर्शियल टैक्स अधिकारी बनने के बाद कादियान में पहली बार पहुंचने पर उन्हें रामलाल अध्यक्ष राहत फाउंडेशन, महासचिव मुकेश कुमार और अन्य द्वारा स्मृति चिन्ह और एक पट्टिका देकर सम्मानित किया गया। आज यहां यह खुलासा करते हुए ताहिर अहमद मजीद ने कहा कि वह 3 बार IAS की परीक्षा में शामिल हुए थे लेकिन सफल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने अपने सेवानिवृत्त पिता मजीद खान के प्रोत्साहन के कारण अपनी इच्छा शक्ति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आखिरकार उन्हें यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 73वां स्थान मिला। कादियान से सलाम तारी की रिपोर्ट। मैं रामलाल प्रधान राहत फाउंडेशन रजिस्टर कर लिया। साढ़े संस्था के सरपंच सरदार जगवीर सिंह बाजवा साहब जी वो सानू समय समय से अगवाई दें गए। तो इस मैटर के उपर मैं उन्होंने गलबात की स्पैशली कि आप एक MBA परिवार है साढ़े को और वो बच्चा उन्होंने MBA खास करके यूपी सर्विस कमीशन के PCA सिलेक्ट हो तो सू बड़ी मान की गल है साढ़े कर शहर में। तो उस करके अभी छोटा जहाँ फंक्शन का रखा सम्मान समारोह और स्पैशली असं उन्होंने परिवार के मैंबर सम्मानित किया। सूँ बड़ी खुशी है क्योंकि साढ़े कादियां होने करके सू बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। कल ये यूपी में अपनी सर्विस निभागे सूँ बहुत ज़्यादा खुशी होगी। कल सा कोई परिवार पंजाब का उधर जाता तो कहेंगे साढ़े कादियां पंजाब के हैं। तो सूँ अभी बहुत खुशी हो रही है। बाकी संस्था में जी संस्था 1917 शुरू हुई है जिसमें अभी 25 तो बाद फंक्शन कर चुके हैं। उस स्पैशली अभी खास करके स्पोर्ट्स किट वगैरह, कंबल वगैरह, वाटर कूलर, राशन समग्री और इस तो अलावा स्पैशली COVID-19 के तहत असी बड़िया सेवा निभाई हैं। बस्तियों तक ही जाकर राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। उस तो बाद जो भी कोविड के जो स्पैशल ड्यूटियां की इस मतलब COVID-19 के दौरान असं उन्होंने सम्मानित किया और मानयोग SDO सरदार बलविंदर जीत सिंह जी बटाले तो उन्होंने सुपरविजन के और सूँ बड़ा माण हो रहा कि अभी संस्था में किस तरह का काम कर रहे हैं। सूँ सिर्फ यही है कि सहयोग मिलता रहे क्योंकि ये सारा सा कलैक्टिवली टीमवर्क है क्योंकि जी राहत फाउंडेशन एक टीमवर्क तौर पर काम कर रही है और ये अगुवाई है मेन सरदार जगदेव सिंह बाजवा साहब करते हैं और सूँ बड़ी खुशी है कि अभी इस तरह परमात्मा चाहती कर बाजवा साहब रहन तो सूँ भी सहारा देंगे तो अभी इस तरह कर दिया शहर की। मेरा नाम ताहिर अहमद मजीद है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू राहत फाउंडेशन और स्पेशली ज़्यादा बड़ा शुक्रिया अदा हूँ क्या बिकॉज दे आर गिविंग सर्विसेज फॉर COVID-19 एंड COVID-19 का जो भी हर किसी को मालूम है क्या चल रहा है बट स्टिल उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया है तो उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेकेंडली थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग माई एफर्ट्स एंड थैंक्स टू माई पेरेंट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर स्टूडेंट्स कीप वर्किंग हार्ड वो आपको जरूर सक्सेसफुल बनाएंगे। नौजवानों की संदेश देना चाहते हैं? नौजवानों को मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आप क्या अचीव करना चाहते हैं एंड देन उसके लिए एक अपना टाइम टेबल अपना प्लान बनाएं और उस टाइम टेबल को डेडिकेटेडली फॉलो करें। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू होना चाहिए।